चले आज हम पढ़ेंगे आपका idioms लिखा हुआ based on magic। तो सबसे पहला वाला जैसे हमने idiom लिखा हुआ आपका black magic है ना, तो black magic के जैसे option में ध्यान रखिए idiom का option कौन सा होगा आपका, या तो भी क्या होगा sorcery या तो भी क्या होगा आपका witchcraft। अब आप समझो पहले, अगर ये idioms की तरह आएगा तो इसका मतलब क्या होगा sorcery या फिर क्या होगा आपका witchcraft। अब ये सॉर्सरी जो वर्ड बना है आपका किसे बना, हमने बताया था आपको सॉर्सरर से, सॉर्सरर मतलब समझते हैं ना आप जानते हैं सॉर्सरर से, या इससे एक निकालेंगे वर्ड तो क्या बनेगा आपको डब्ल्यू आई टी सी एच विच और विच से, ये दोनों वर्ड फीमेल होते हैं, कैसे होते हैं आपके फीमेल वर्ड होते हैं, समझ रहे ना फीमेल वर्ड होंगे तो फीमेल का मतलब हिंदी में जैसे लिख सकते हैं जादूगरनी, जादूगरनी लिख सकते हैं, समझ पाया ना। तो ये सिर्फ इसमें सॉर्सरर होगा या आपका क्या होगा विच होगा, ये वर्ड कैसा होता है आपका फीमेल, लेकिन ये सॉर्सरर या विच जो है ये आपके वन वर्ड्स में पूछे जाते हैं, वन वर्ड्स में आने वाले वर्ड्स हैं ये, ध्यान रखेंगे। तो ये वन वर्ड्स में पूछे जाते हैं, तो वन वर्ड्स वाले जब पूछा जाए कि जैसे अ पर्सन हु डज ब्लैक मैजिक, तो आंसर क्या होना चाहिए सॉर्सरर या आपका विच। लेकिन अगर idioms का मतलब आ रहा है तो क्या आपका है ब्लैक मैजिक, क्या है ब्लैक मैजिक, इसके idioms के ऑप्शन क्या होंगे आपके सॉर्सरी या आपका विच। यहाँ विच का क्राफ्ट का मतलब यहाँ किससे है आपका आर्ट, आर्ट का मतलब कला से, तो कला का मतलब समझते होंगे कि तो जादूगरनी की कला, और सॉर्सरी है ये सॉर्सरर का एक तरह का क्या काम, तो ये भी कला जादू करने का हो गया। उसके बाद में आप देखो क्या लिखा हुआ है, दूसरा लिखा हुआ idiom आपका मैजिक बुलेट या आपका सिल्वर बुलेट, तो मैजिक बुलेट या सिल्वर बुलेट का मतलब क्या, ये भी जादू से संबंधित है, हालांकि इसका दूसरा मीनिंग भी हम यूज कर सकते हैं। पहले तो समझ लो इसका मतलब क्या होता है कि जैसे मैजिक बुलेट मतलब जैसे कि जादू वाली बुलेट, बुलेट मतलब गोली कह सकते हैं जैसे गन से निकालते हैं, और सिल्वर बुलेट है, सिल्वर बुलेट का यूज तुमने देखा होगा हॉलीवुड मूवीज में करते हैं वैम्पायर्स को खत्म करने के लिए, कभी शायद किसी ने देखा होगा सिल्वर बुलेट, चांदी से बनी हुई जो बुलेट, इसलिए दोनों idioms एक ही जैसे हैं। तो समझ लो पहले, या तो फिर एक ऐसा मेडिसिन कह सकते हैं, इनका मतलब ये है मैजिक बुलेट का या सिल्वर बुलेट का मतलब ये कि एक ऐसा मेडिसिन मतलब ऐसी ड्रग्स मेडिसिन या एक ऐसा इलाज जो बहुत इमीडिएट बहुत जल्दी किसी भी बीमारी को कंट्रोल कर सकता है, एकदम खत्म कर दे, जैसा कि जादू कर दिया मान लो किसी ने, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं मैजिक बुलेट या सिल्वर बुलेट, समझ रहे ना। तो इसका अगर ऑप्शन आएगा वैसे तो बिल्कुल ईजी ऑप्शन मैजिक बुलेट या आपका सिल्वर बुलेट लिखा हुआ है, अब इसमें मैजिक बुलेट हो गया या सिल्वर बुलेट हो गया। अब इसमें एक स्टेटमेंट तुम लिख लो, पहले तो एक स्टेटमेंट लिख लो जैसे कि आपका idioms में कह सकते हैं, मतलब वन वर्ड्स में भी काम आ जाएगा या एक याद करने का थोड़ा सा तरीका मिल जाएगा आपको कि कैसे याद करेंगे। तो आप यहाँ पर लिखेंगे स्टेटमेंट ऐसे लिखो, आ ड्रग या एक तरह का मेडिसिन, आ ड्रग या मेडिसिन है ना, विच प्रोवाइड्स, विच प्रोवाइड्स इमीडिएट है ना, इमीडिएट क्योर मतलब इलाज टू एनी ऑलमेंट या डिसीज, ये टू एनी ऑलमेंट या डिसीज, तो एक ऐसी ड्रग या एक ऐसी मेडिसिन विच प्रोवाइड जो प्रोवाइड करती है इमीडिएट एकदम त्वरित कह सकते हैं इलाज टू एनी ऑलमेंट मतलब कोई बीमारी है आपका डिसीज है ना, तो इसका मतलब होता है आपका मैजिक बुलेट या आपका सिल्वर बुलेट। तीसरा आइडियम देखेंगे आपको क्या लिखा हुआ मैजिक कारपेट, जैसे हम तो कारपेट का मतलब आप समझते हैं बिल्कुल सिंपल सी बात है, कारपेट जैसे कि एक जादूगर आपका कारपेट जो है ना हवा में उछाल देता है, तो स्टेटमेंट के थ्रू लिख सकते हैं जो वन वर्ड में भी आ सकता है, ये क्या लिखा हुआ आ कारपेट कैपेबल ऑफ, कैपेबल मतलब उसकी क्षमता है, और प्रोपेलिंग प्रोपेलर जैसे होते हैं जो हवा में ऊपर जैसे ले जाते हैं, जैसे हेलीकॉप्टर के पीछे एक छोटा सा पंखा लगा होता है उसको प्रोपेलर बोलते हैं, तो प्रोपेलिंग लिखा हुआ है, और इटसेल्फ मतलब वो अपने आप चला जाता है, जादू है या उसको कोई लिटा हो तो इटसेल्फ थ्रू द एयर मतलब ना हवा में चल जाता है, तो बिल्कुल नॉर्मल idiom है मैजिक कारपेट, लिख लीजिए।
अब चौथा idiom जैसे क्या लिखा आपका a magic wand हो गया, या फिर आपका पांचवा idiom लिखा wave a magic wand, दोनों का लगभग मतलब बराबर होता है। यहाँ wand का मतलब समझते ना छड़ी कह सकते हैं, जादू की छड़ी, वही है आपका मैजिक वैंड, दूसरा भी है लेकिन इसमें लिखा आ मैजिक वैंड, बात दोनों का मीनिंग वैसे लगभग बराबर है। और वेव आ मैजिक वैंड किसी भी काम को इतनी आसानी से कर ले, मतलब बिना एफर्ट के, बिना कुछ ताकत लगाए, वही एक तरह का जादू है। तो वही कहने का मतलब है जैसे कि जादू की छड़ी घुमाना हवा में, या फिर आपका है मैजिक वैंड। तो एक स्टेटमेंट लिखिए आप लोग, जैसे कि एन ईजी वे लिखा हुआ है, इसमें लिख सकते हैं एन इजी वे टू डू समथिंग, ठीक है, एन इजी वे टू डू समथिंग या एन इजी वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम, वही बात बराबर है। या इसमें भी लिख सकते हैं वेव ऑफ मैजिक वैंड का मतलब है वही टू सॉल्व अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम विदाउट एफर्ट कह सकते हैं। तो क्या लिखेंगे इसमें, टू सॉल्व अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम विदाउट एफर्ट, यह जानते हैं बिल्कुल इजी है। क्या लिखा, वेव आ मैजिक वैंड, मैजिक वैंड को वेव करना, हवा में घुमाना, जैसे एक तरह का जादू करना। क्या लिखा, टू सॉल्व अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम विदाउट एफर्ट, बिना एफर्ट के, बिना कोई काम किए, तो सीधी सी बात तभी जादू उसको कहलाएगा। तो ये वेव आ मैजिक वैंड आए या सीधे आ जाए आ मैजिक वैंड का मतलब ये हो सकता है एन ईजी वे टू डू समथिंग या एन ईजी वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम, जैसे कि जादूगर करता है छड़ी घुमाता है, और वेव अ मैजिक वैंड टू सॉल्व अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम विदाउट एफर्ट, समझ पा रहे हैं ये है। तो आपका नेक्स्ट लिखेंगे वर्क ऑन्स मैजिक लिखा हुआ, तो वर्क ऑन्स मैजिक का मतलब है वर्क ऑन्स मैजिक, अपने काम पर, किसी कोई भी आदमी अपने काम का वर्क करे या जादू का मतलब जादू करे या अपना कोई जादू चलाए। यहाँ जादू चलाने का मतलब जादू करने से ही नहीं है सब कुछ, है ना, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि कोई आपके अंदर कोई स्पेशल टैलेंट है, उस स्पेशल टैलेंट से किसी भी आदमी को तुम कॉक्स कर सकते हो, कन्विंस कर सकते हो अपना जादू जैसे चला लिया किसी पर। तो लिखिए टू यूज आ यूनिक टैलेंट टू कन्विंस समवन, ये लिखा टू यूज आ यूनिक टैलेंट टू कन्विंस समवन, तो अपना जादू चलाना कहने का मतलब ये हुआ आपका वर्क ऑन्स मैजिक, तो टू यूज आ यूनिक टैलेंट टू कन्विंस समवन, ये है। जरूरी नहीं इसका मतलब हमेशा कि जादू करने से हो, इसका मतलब ये कि जो आपके अंदर स्पेशल टैलेंट है उसका भी जादू चला सकते हैं, ये कहने का जादू का मतलब कोई आपका टैलेंट जिसे आदमी पे जादू हो जाए कहने का। बहुत सारे देखा होगा डांसर्स हैं, एक्टर्स हैं, या और बहुत सारे पर्सनालिटीज़ हैं जो अपने काम में बहुत माहिर हैं, जिनका है ना जादू चलता है उनमें इस तरह का। ठीक है, आपका नेक्स्ट देखेंगे आप लिखा हुआ मैजिक मोमेंट, मैजिक मोमेंट का मतलब है, आप मैजिक तो जादू हो गया, मोमेंट का मतलब कह सकते हैं एक आपका क्षण या कोई आपका मोमेंट, एक कोई भी एक प्रतिक्रिया कह सकते हैं, एक्शन कह सकते हैं, उसका मतलब है। तो मैंने स्टेटमेंट में लिखा हुआ आप ब्रीफ एक्सपीरियंस, एक ऐसा मतलब ब्रीफ का मतलब एकदम छोटा सा, ये है सही। तो एक्सपीरियंस है परसीव्ड, जो किया गया परसीव किया गया है एज स्पेशल इन सम वे, कोई भी सम वे मतलब कोई एक तरीके, कोई एक तरीका, मान लो किसी भी आदमी का कोई ना कोई स्पेशल तरीका होता है, या उसने अपनी लाइफ में धीरे धीरे कोई भी चीज़ एक्वायर करके कोई स्पेशल तरीका बनाया, तो वो किसी भी चीज़ को हैंडल कर सकता है ना एक स्पेशली किसी भी वे में, एक तरीके से सामने, उसको हम एक मैजिक मोमेंट कह सकते हैं। मैजिक मोमेंट का मतलब ये हुआ कि एक ऐसा मोमेंट आए, और मोमेंट का मतलब एक समय आए, एक ऐसा क्षण आए जिसमें आदमी कोई भी अपना एक स्पेशल जो उसने बिलीव किया है तुरंत या कोई कर सकते हैं, जादू की तरह कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं। ठीक है,
अब नेक्स्ट देखिए आपका क्या लिखा हुआ है, ट्रेजिक मैजिक जो है ना, ट्रेजिक मैजिक का मतलब ये, वैसे ट्रेजिक मैजिक का मतलब ये आप जानते हैं, बिल्कुल सिंपल सी बात है, पहले हम कोई पुराने जमाने में की बात कर रहे हैं, पहले हम हीरोइन जो है आपका कोई एक सब्सटेंस होता है जो नशे के लिए लोग यूज़ करते हैं, वो जो हीरोइन है ना, तो उसको क्या लिखेंगे हम, जैसे हमने बताया इट इज़ अ काइंड ऑफ सब्सटेंस दैट इज एल्कोहलिक, कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस, कोई एक चीज़ जो क्या है आपकी एल्कोहलिक है, जैसे कि आप हीरोइन कह सकते हैं या और भी कोई दूसरी कोकेन हो सकता है या कोई भी एल्कोहलिक, एक तरह का नशा जैसे हो जाए, इस तरह का जादू जो हो जाए, तो वो उस तरह का जादू होता है आपका ट्रेजिक मैजिक, इट इज अ काइंड ऑफ सब्सटेंस दैट इज एल्कोहलिक, जैसे हमने लिखा आपका हीरोइन, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट ईडियम क्या है आपका, 9 नंबर हमने लिखा है ब्रोकन बैंड सेरेमनी, जैसे कि आप देख रहे हैं ब्रोकन का मतलब जानते हैं तोड़ने से टूटने से, बैंड का मतलब ये बताया था मैंने जादू की छड़ी, तो यहाँ पर सेरेमनी जैसे लिखा हुआ, सेरेमनी रस्म कह सकते हैं, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसका मतलब क्या है, जैसे कोई जादूगर होता है जब मरता है, मतलब जब वो पूरी लाइफ जादू करता रहा, उसके बाद में फिर वो मर गया, तब उसके मतलब अंतिम संस्कार पर है ना, अंतिम संस्कार मतलब फ्यूनरल, क्या बोलते हैं उसको, फ्यूनरल पर, तो वो जादू की छड़ी जो अपनी लाइफ में वो यूज करता रहा है ना, इसके लिए वो को क्या देते हैं, तोड़ देते हैं, इसीलिए उस सेरेमनी को क्या करते हैं, कहते हैं ब्रोकन बैंड सेरेमनी। इससे ये जाहिर किया जाता है कि हमने अपनी लाइफ में या हमारे समाज में एक हमने जादूगर खो दिया, जैसे मान लो हम दूसरे आदमी जैसे सोल्जर जैसे मरता है तो हम तोपों की सलामी देते हैं, गन से है ना सलूट देते हैं ना, उसी तरीके से ये मैजिशियन मरने पर उसके उसी का जो बैंड होता है मतलब जादू की छड़ी, उसको तोड़ के ये हम जताते हैं कि हमने एक अच्छा जादूगर खो दिया, कहने का मतलब ये है। तो आप क्या लिखेंगे ब्रोकन बैंड सेरेमनी में, जैसे आप इसका स्टेटमेंट लिख लो, बताया ना ब्रोकन बैंड सेरेमनी में स्टेटमेंट लिखिए, वैसे तो लिखो फ्यूनरल ऑफ अ मैजिशियन, एक तो ये नॉर्मल जैसे लिख देंगे फ्यूनरल ऑफ अ मैजिशियन, एक जादूगर का जो फ्यूनरल होता है अंतिम संस्कार उसकी बात करते हैं, अब इसका स्टेटमेंट जैसे लिखेंगे अ वैंड इज ब्रोकन टू Symbolize, एक वैंड का मतलब जादू की छड़ी जो है ना उसको हमने क्या किया तोड़ी जाती है, अब वैंड इज ब्रोकन टू सिंबलाइज है ना, टू सिंबलाइज सिंबलाइज करने के लिए, मतलब ये सिंबलाइज करने के लिए, उसके बाद में द लॉस ऑफ अ मैजिक पावर, मैजिक पावर मतलब एक जादू का पावर खो दिया या जादूगर खो दिया कह सकते हैं, जो उसके अंदर स्पेशल टैलेंट था उसका, तो ये हो गया आपका ब्रोकन बैंड सेरेमनी, वैसे तो ये मैजिशियन का फ्यूनरल कह सकते हैं, हमने बताया आपको, लेकिन स्टेटमेंट जैसे हमें याद करने के सेंस के लिए बात कर रहे हैं, अ वैंड इज ब्रोकन, एक जादू की छड़ी तोड़ी जाती है टू सिंबलाइज, ये दर्शाने के लिए, ये प्रदर्शित करने, ये दिखाने के लिए कि हमने एक जादूगर या मैजिक पावर खो दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ आपका हुकस, ये एक ऐसा idiom है, जैसे idiom वैसे तो इसको हम क्या बोलते हैं nonsense, एक आपका nonsense phrase है, क्या है आपका एक nonsense phrase का मतलब कहावत कह सकते हैं, कोई भी आदमी कहता है, जैसे कोई जादूगर है वो कोई भी जैसे मंत्र हमारे यहाँ जैसे बोले मंत्र बोल सकते हैं या कोई श्लोक बोले या कोई स्टेटमेंट बोले है ना, लेकिन उस स्टेटमेंट से होता कुछ नहीं, सिर्फ वो ये दिखाने के लिए करता है कि ये जो परफॉर्म हम करने वाले हैं वो किसी से आता है वो नॉन, लेकिन है ये नॉनसेंस जिसका कोई सेंस नहीं है, लेकिन वो फिर भी दिखाना चाहता है कि इसी से होता है, तो ऐसे होगा नॉनसेंस, एक तरह का नॉनसेंस फ्रेज है, तो ऐसे लिख सकते हैं अ नॉनसेंस फ्रेज टू परफॉर्म, अ नॉनसेंस फ्रेज टू परफॉर्म अ मैजिक, नॉनसेंस फ्रेज टू परफॉर्म अ मैजिक, एक तरह का नॉनसेंस फ्रेज जिसका कोई सेंस ना हो, समझ पा रहे लिख लीजिए फोकस फोकस।
है ना। देखिए नेक्स्ट जो है आपका लिखा हुआ आबरा का डाबरा। अब ये भी इस तरह का जैसे होकस पोकस लिखा हुआ उसी तरह का ये, हालांकि ये नॉनसेंस नहीं कह सकते हैं। ये लोग परफॉर्म, जो जादूगर परफॉर्म करता है कोई भी जादू, तो ये इंग्लिश का वर्ड में जो भी कुछ बोलता है उसको हम क्या बोलते हैं, आबरा का डाबरा। अब जैसे इसका मतलब ये है कि कोई वर्ड या इसका स्टेटमेंट जैसे हो सकता है आपका, लिखिए अ मैजिक वर्ड, आ मैजिक वर्ड दैट इज यूज्ड टू परफॉर्म, आ मैजिक वर्ड दैट इज यूज्ड टू परफॉर्म समथिंग, लिख सकते हैं समथिंग इन मैजिक, ये कहने का मतलब। तो अ मैजिक वर्ड दैट इज यूज्ड टू परफॉर्म समथिंग इन अ मैजिकल वे कह सकते हैं, तो आबरा का डाबरा। अब ध्यान रखिएगा, वैसे तो ये वर्ड ज्यादातर आता नहीं है वन वर्ड्स में या इडियम्स में, लेकिन इसका वर्ड तो जानते हो किसमें, स्पेलिंग में पूछा जाता है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड या मिस स्पेल्ड वर्ड में, है ना, उसमें पूछा जाएगा। ठीक है, आप देखिए कुछ वर्ड्स हैं ना मैजिक से रिलेटेड, और भी वर्ड्स हैं आप पढ़ सकते हैं। जैसा कि देख रहे हैं पहला वाला जो वर्ड आपने देखा, आपका क्या लिखा हुआ है, कॉन्जुरर या मैजिशियन। एक्चुअल जो मैजिक करते हैं, मैजिक शो दिखाते हैं जैसे आप जानते हैं, जो उनको कॉन्जुरर, अच्छी बात है, कॉन्जुरर बोल सकते हैं, या उसे वर्ड क्या है आपका, मैजिशियन। तो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आते हैं, तो इसमें स्टेटमेंट बिल्कुल सिंपल सा लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, अ पर्सन, जैसे अ पर्सन हु शोज मैजिक ट्रिक्स, ये कहने का मतलब है। तो एक ऐसा पर्सन जो हो गया आपका कॉन्जुरर या मैजिशियन, एक ऐसा पर्सन जो शो करता है मैजिक ट्रिक्स, जो जनरली जादू दिखाने वाले लोग या जादूगर जो दिखाता है, जिसकी रोजी रोटी है, जो अपना प्रोफेशन बना लिया हुआ है ना वो। लेकिन इसमें एक वर्ड अलग ही आता है, इसका भी लोग हिंदी में जैसे देखते हैं तो उसका मतलब विजार्ड का भी मतलब हिंदी में जादूगर लिखा होता है, तो एक्चुअली ये जादू नहीं होता है जादूगर, ये इसका एक उपाधि कह सकते हैं कि एक ऐसा पर्सन जो अपने प्रोफेशन में, है ना, बताया था लास्ट टाइम मैंने, तो अपने प्रोफेशन में जो जादू करते हैं, मतलब कोई भी जैसे सिंगर है या एक्टर है, मान लो कोई भी क्रिकेटर कह सकते हैं, जो अपने प्रोफेशन में, जैसे मान लो सचिन को आप कह सकते हैं क्रिकेट विजार्ड या सिंगिंग विजार्ड, जैसा लता मंगेशकर, इस तरह से कहा जाता है। तो इसमें लिखेंगे अ पर्सन, जैसे लिखा हमने अ पर्सन हु डज समथिंग इन अ मैजिकल वे, ये है। तो वो भी विजार्ड होता है, एक ऐसा पर्सन जो, है ना, कोई भी काम करता है एक मैजिकल वे में, एक जादू तरीके से, जैसे अपना जादू लोगों पर वो चलाए, कहने का मतलब ऐसे सेंस में। अब सिंगिंग हो सकता है, एक्टिंग हो सकता है, या क्रिकेट हो सकता है, या डांसिंग कह सकते हैं ना। कोई बात, तो हमें बताया ना आपको, कॉन्जुरर है आपका, दूसरा वर्ड हो गया मैजिशियन, हमने बता दिया आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोबारा देख लो, देखा हो आप पर्सन हु शोस मैजिक ट्रिक, जो मैजिक ट्रिक शो करता है, बिल्कुल आसान है। उसके बाद में विजार्ड हमने बताया, एक ऐसा पर्सन जो मैजिक तो नहीं करता मान लो, लेकिन अपने प्रोफेशन में जो जादू करते, समझ रहे ना, अपने प्रोफेशन में जो जादू करते, जैसे सिंगिंग हो गया या एक्टिंग हो गया, है ना, इस तरह से बताया, जो आपको अभी सिंगिंग या एक्टिंग या कुछ भी डांसिंग कह सकते हैं, तो वो विजार्ड का मतलब ये होता है, एक ऐसा पर्सन हु डज समथिंग इन अ मैजिकल वे, मैजिकल तरीके से कोई भी दूसरा कोई काम करता अपना प्रोफेशन में जादू कर दे, ताकि लोगों पे उसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है। एक तरह के लोग कहते हुए लिखते, भाई जादू कर दिया आपने, ऐसा सॉर्सरर जो एक्चुअल जादूगर होते हैं, अभी हमने जैसे अभी लिखवाया WRTCH, अ पर्सन हु डज ब्लैक मैजिक ऑन समवन, एक ऐसा पर्सन जो ब्लैक मैजिक करता है, काला जादू करता है, एक्चुअल टोना या टोटका जो होता है ना, वो आपका सोर्सेलर या विच होता है। उसके बाद में अच्छे कुछ वर्ड देखेंगे तो ये लिखा हुआ एसिटाबुलरी, एसिटाबुलरी वो पर्सन होता है जो कप्स और बॉल्स को परफॉर्म करता है, जैसे देखा हुआ कप्स बॉल्स उछालने में, सर्कस में भी होते हैं बहुत सारे, या फिर जादूगर जादू
मैजिक शो में वो दिखाया जाता है, वो कप्स और बॉल्स को उछालने के लिए यूज करते हैं, या कह सकते हैं कि और भी दूसरी चीजें भी देखा होगा, चाकू भी उछालते हैं और भी अदर सब्सटेंसेस उछालते हैं, तो आदमी के स्किल के ऊपर डिपेंड करता है और भी इम्प्रूव कर सकता है अपने आप को। तो एसिटाबुलरी वो हो गया आपका। उसके बाद में कार्डिशियन जो लिखा हुआ है, कार्डिशियन है अ पर्सन हु स्पेशलाइज्ड इन कार्ड्स, कार्ड्स मतलब जैसे कि प्लेइंग कार्ड्स है ना, तो प्लेइंग कार्ड्स का मतलब जानते हैं जैसे गैम्बलिंग के लिए जो कार्ड यूज करते हैं ना, कोई भी पत्ता निकालते हैं उसके बाद में दूसरे आदमी को वो बता देते हैं कि कौन सा पत्ता आपने निकाला है ऐसा कुछ। और उसके बाद में प्रेस्टिडिजिटेशन का मतलब वही है जो उंगलियों से फिंगर्स या क्विक फिंगर्स जो होती है ना, कोई भी उंगली से जादू करता है, सिक्के को घुमाना है ना, सिगरेट बीड़ी अपने हाथों में छुपा लेना, कोई लकड़ी या कुछ भी अदर सब्सटेंसेस तो उंगलियों का इस्तेमाल करके जादू करता है। इसीलिए मैंने कहा पर्सन हु स्पेशलाइज इन क्विक फिंगर्स। हालांकि करता तो आपका जेब कतरा भी है, लेकिन जेब कतरे के लिए हमने ये वर्ड लिखे हुए पिक पॉकेट या आ लाइट फिंगर पर्सन, समझ रहे ना। देखेंगे कुछ और भी अदर वर्ड्स हैं, देख रहे हैं आप। जैसे पहला वर्ड हमने लिखा है एग्जॉर्सिस्ट, एग्जॉर्सिस्ट, दूसरा लिखा टैरो, उसके बाद में एक वर्ड है आपका अमुलेट, एक आपका है एलिक्सर। ये चार वर्ड और भी देखेंगे। एग्जॉर्सिस्ट हालांकि इसमें नहीं आता, जादू का मतलब नहीं है, लेकिन कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो ऑप्शन के साथ आते हैं। तो एग्जॉर्सिस्ट का मतलब जानते हैं जैसे तांत्रिक, जैसे बताया साथ पहले वाले ग्रुप में वन वर्ड में बताया होगा आपका, एक ऐसा पर्सन जो क्या बैड स्पिरिट जो होती है ना, बुरी आत्माएं कह सकते हैं, बुरी आत्माएं या बैड है ना, इविल्स कह सकते हैं या डेविल्स कह सकते हैं, उनको है ना कंट्रोल करता है, तांत्रिक जैसे हिंदी में बोला जाता है। तो इसमें स्टेटमेंट जैसे लिखा होगा अ पर्सन हु कंट्रोल्स है ना, कंट्रोल्स लिखा हुआ है, कंट्रोल्स बैड स्पिरिट, सॉरी या इविल फोर्सेस लिख सकते हैं, इविल फोर्सेस, ये कहने का मतलब। तो उसको हम एग्जॉर्सिस्ट बोलते हैं। यहाँ पर टैरो एक वर्ड जो दिया हुआ है, टैरो अभी हमने वर्ड बताया था कार्डिशियन, यहाँ कार्डिशियन और टैरो में अंतर है। कार्डिशियन जो होते हैं आपको क्या यूज करते हैं, प्लेइंग कार्ड्स, क्या यूज करते हैं, प्लेइंग कार्ड्स यूज करते हैं, जो हम गैम्बलिंग में यूज करते हैं, तो वो अलग बात है, वो जादू करता है। लेकिन यहाँ पर जो टैरो होता है, टैरो कार्ड्स यूज करते हैं, कौन से कार्ड यूज करते हैं, टैरो कार्ड, अलग से कार्ड आते हैं जिनसे ये होता है जो सिर्फ आपके भविष्य बताते हैं, क्या भविष्य बताते हैं, भविष्य जो फ्यूचर बताने के लिए यूज करते हैं टैरो कार्ड। हालांकि टैरो कार्ड हमारे यहाँ इंडिया की बात नहीं है, शायद ये विदेशी है, अमेरिकन जैसे है ना, वो टैरो माया सभ्यता की बात है, वहाँ के कुछ कार्ड्स हैं तो उनमें हम उसका यूज करते हैं किसी आदमी का भविष्य बताने के लिए। तो टैरो कार्ड्स भी होते हैं और टैरो वो आदमी भी होता है जो उन कार्ड्स का यूज करके किसी आदमी का भविष्य बताता है। तो यहाँ पे लिखेंगे अ पर्सन हु टेल्स फ्यूचर, अ पर्सन हु टेल्स फ्यूचर बाय यूजिंग टैरो कार्ड्स। तो टैरो कार्ड्स अलग कार्ड्स होते हैं, जो प्लेइंग कार्ड्स नहीं होते हैं, वो दूसरे तरह के कार्ड्स होते हैं। हाँ, तो अ पर्सन हु टेल्स फ्यूचर बाय यूजिंग टैरो कार्ड्स, तो टैरो कार्ड्स उस आदमी को भी हम क्या बोलेंगे, टैरो ही बोलेंगे, है ना। तो आपने जैसे देखा अ पर्सन हु टेल्स फ्यूचर बाय यूजिंग टैरो कार्ड्स। उसके बाद में दिया हुआ अमुलेट, अब जब मैजिक से रिलेटेड बात ही चल रही है तो अमुलेट का मतलब जानते हैं, हिंदी में ताबीज बोलते हैं, बांधते हैं लोग ताबीज है ना, तो ताबीज जैसे, तो अमुलेट किस लिए बांधते हैं आप जानते हैं, कि कोई काला जादू आप पे कर रहा है तो उसको प्रिवेंट करता है, मान लो भूत या चुड़ैल या बैड स्पिरिट्स या एविल स्पिरिट्स जैसे, उनको रोकने के लिए, या बैड लक बुरा वक्त चल रहा है तो भी लोग पहनते हैं अंगूठी, अंगूठी में देखा होगा आपने, तो अंगूठी अलग बात होगी, जो गले में लटकाते हैं उसको बोलते हैं क्या, अमुलेट। तो इसका स्टेटमेंट एक ऐसा सब्सटेंस कह सकते हैं जो प्रिवेंट करता है बैड लक या बैड स्पिरिट या आपका ब्लैक मैजिक। तो देखेंगे अ काइंड ऑफ सब्सटेंस दैट प्रिवेंट्स बैड लक, evil forces, etc. डालो, ये है। तो amulet मतलब ताबीज, इसीलिए पहनी जाती है, a kind of substance that prevents bad luck या evil forces या और भी etc. लिख सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, amulet बोलते हैं। सर amulet आप फिर से नेक्स्ट क्या
जैसे आपका वर्ड एलिक्सर है, तो एलिक्सर जो वर्ड आप जानते हैं, एलिक्सर का मतलब क्या कि है, एलिक्सर लिक्विड होता है, लिक्विड मतलब पानी। देखा होगा जादूगर लोग पानी छिड़क देते किसी पर आदमी, तो मान लो देखा होगा पानी लिया उन्होंने कुछ मंत्र मंत्र वही होकस पोकस या कोई नॉनसेंस फ्रेस पढ़ा और किसी ऑब्जेक्ट पे मार दिया तो लड़की नागिन बन गई, या मतलब कागज का फूल बना दिया, इस तरह का कुछ करते हैं ना, वो जो होता है पानी, या जरूरी नहीं है किसी लकड़ी पर डालने पर आग जल जाती है ना, तो इस तरह का जो, या आज देखा होगा किसी आदमी को ऊपर जादू कर भी दिया तो कोई तांत्रिक या कोई मान लो ऐसा बाबा आवा जो पानी भी दे देते हैं पढ़ के, तो उस तरह का जो एलिक्सर उसको बोलते हैं, एक तरह का लिक्विड जो मैजिकल चीज़ों को परफॉर्म करने के लिए भी किया जाता है, कभी कभार हम यूज़ करते हैं, तो लिख जाएंगे सिंपल सा, अ काइंड ऑफ लिक्विड, अ काइंड ऑफ लिक्विड, अ काइंड ऑफ लिक्विड दैट पीपुल बिलीव दैट people believe has